नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर राज्य साइबर सेल ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो पूर्व में भवरकुआं थाना क्षेत्र में हुए फर्जी मार्कशीट कांड में अपराधी है। तभी से आरोपी स्वयं को जीएसटी अफसर बताकर व्यापारियों को झांसे में लेता था। आरोपी एक व्यापारी से हजारों रुपए ऐंठ चुका है। पुलिस उसकी 2 साल से तलाश में जुटी थी। आरोपी इतना शातिर है कि बार बार अपना फोन और लोकेशन बदल लिया करता है। राज्य साइबर सेल निरीक्षक आरएस तिवारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रकाश वर्मा निवासी रामपुरा है। पुलिस ने उसे विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इंटीरियर प्रोडक्ट व्यवसाय से जुड़े सुनील कुमार अहिरवार ने अगस्त 2020 में उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी ने मोबाइल पर कॉल व मैसेज किया और स्वयं को जीएसटी अफसर बताया। उसने जीएसटी की राशि कम करने का झांसा दिया और 97,500 रुपए ले लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश की लेकिन आरोपी मोबाइल बंद कर भाग गया। फिलहाल उसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन व किश्तें कम करवाने का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। जिन लोगों के पास रुपए नहीं होते वो किश्तों के चक्कर में आसानी से ठगी के शिकार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस को शंका है कि आरोपी जीएसटी अफसरों से ही व्यापारियों की जानकारी लेता है। उसके मोबाइल नंबर और खाते की जांच चल रही है। आरोपी केवल 12वीं तक पढ़ा है। एक आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी, उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी जिस पर कार्रवाई करते उनके 2.5 लाख रुपए वापस साइबर सेल ने लूटा है। किस तरह की शिकायत थी सर, कार्रवाई कैसे की गई? ये समय समय पर साइबर पुलिस और बैंक भी इस तरह के एडवाइजरी जारी करते हैं कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड होने से किस तरह से बचा जा सकता है। इसी क्रम में एक सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रवीण मिश्रा जी भी इस ठगी का शिकार हुए थे। उनसे KYC अपडेट करने के नाम पर एक लिंक भेजी गई थी जिस पर उन्होंने अपनी निजी जानकारी शेयर कर दी। इसी का लाभ उठाते हुए फ्रॉडस्टर द्वारा 2.5 लाख रुपये उनके अकाउंट से उड़ा दिए गए। चूँकि वे मैसेज मिलने से थोड़ा सा अलर्ट हो गए और तत्काल उन्होंने साइबर पुलिस की मदद ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए फ्रॉडस्टर के अकाउंट से 2.5 लाख रुपये की संपूर्ण राशि डॉक्टर मिश्रा के अकाउंट में वापस कराई गई है। सर, लगातार साइबर सेल द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जाती है इस तरह के जो धोखाधड़ी करते हैं उनसे बचने के लिए, फिर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, ऐसे में साइबर किस तरह प्रयास करेगी ताकि लोग इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें? साइबर में जो समय समय पर हम लोग एडवाइजरी जारी करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की एडवाइजरी जारी होती है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह की झांसे वाली कार्रवाई से अपनी जानकारी किसी भी तरीके शेयर करने से बचना चाहिए और अलर्टनेस से ही इसमें जागरूकता से ही इसका बचाव किया जा सकता है। मैं निरीक्षक राम सुमेर तिवारी, स्टेट साइबर जोन इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।